नमस्कार डीवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अधिकारियों को अपने निशाने पर लेते नजर आए। शुक्रवार को इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने तमाम बातें कही, लेकिन उनका अधिकारियों पर निशाना साफ तौर पर नजर आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर कार्यकर्ता कार्यों के भरोसे रहते हैं तो योजना का बंटाधार हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय के कहने का मतलब था कि अधिकारी सरकार की योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित नहीं करते हैं, यानी अधिकारी योजनाओं को लेकर लापरवाही करते हैं, साथ ही उन पर गंभीरता से काम नहीं करते हैं। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि मुझे गर्व हो रहा है यह कहते हुए कि मैं अभी एक नंबर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा था, जहां कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि आजकल अधिकारियों का रवैया बदल गया है। मैंने पूछा क्यों, तो कार्यकर्ताओं कहा कि आजकल नमस्ते करने लगे हैं और चाय भी पिलाते हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद देता हूं कि गुना की घटना होने के बाद प्राथमिक तौर पर लापरवाही और दोष पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार ऐसे ही चलती है जिस तरह से मोहन यादव ने शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे ये भी कहा कि जीत का श्रेय इंदौर की जनता को जाता है। जो वर्ग पहले हमें वोट नहीं देते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण उन वर्गों का भी हमें वोट बढ़ चढ़ कर प्राप्त हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हमें जो सफलता विधानसभा चुनाव में मिली है उसे हमें आगे भी कायम रखना है। अब सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई है। जब 9 की 9 विधानसभा की जनता ने हमें जिताया है तो इंदौर की जनता को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण की योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सभी हितग्राहियों तक पहुंचाने का कार्य करना है।